पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भावादर्श का स्थापना दिवस मौसम पैलेस जिगा कॉलोनी मुरादाबाद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें दलित मेधावी छात्र छात्राओं जो हाई स्कूल व इंटर में प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, उनके उत्साह वर्धक हेतु भावादर्श के धर्म गुरु धर्म सम्राट जो पंजाब के संगरूर से चलकर आए, उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया, उनको आशीर्वाद दिया तथा छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने छात्र छात्राओं के माता पिता को भी धन्यवाद दिया और समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में भजनों की प्रस्तुति ओम प्रकाश बलवीर भारती तथा बीना बाल्मीकि ने की, जिन्होंने अपने भजनों से सभी धर्म समाजियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धर्मगुरु ने समाज में अच्छा कार्य करने वालों को भी प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भावादर्श के धर्मगुरु धर्म सम्राट देव सिंह आदित्य महाराज, कर्मयोगी अश्वंस होता, ओपी द्रविण, विजय मानव, वित्रोत्तम लल्ला बाबू द्रविण, बालवीर भारती, विजेंद्र भागव, राजू आदिवासी, वीर क्षेत्र द्रविण, वीरेंद्र सिंह, उमेश कठारिया, सुमित कठेरिया, सतीश विराट, दिनेश बाल्मीकि, आदेश कुमार, रॉबर्ट चौधरी, गजराम सिंह, इंद्रपाल, ओंकार सिंह, रामवीर सिंह, राम किशोर, रोहित भारती आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मगुरु धर्म सम्राट परम पूज्य देव श्री आदित्य महाराज ने की तथा संचालन वीर क्षेत्र रवि द्रविण ने किया। हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का संविधान दिवस मना रहे हैं और ये उनके याद में मनाया जा रहा है, उनकी वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है, जिन्होंने इसकी राजकुमार हमदर्द जी ने इसकी घटना की। वैसे तो सैकड़ों संघ वाल्मीकि जी के नाम से चल रहे हैं, लेकिन जो असली संघ है, जो संविधान पर चल रहा है, वो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज है, जिसका संविधान तृणमूलीय राजकुमार हमदर्द जी ने लिखा था और आज उन्हीं की यादगार में हमने एक कार्यक्रम रखा है और एक योग वशिष्ठ रामायण का यहाँ विसर्जन किया गया है, जो कि हमारे धर्म सम्राट धर्मगुरु जी मेरे बराबर में बैठे हैं, इनके द्वारा लिखा गया है और ये एक ऐसी ग्रंथ लिखता है कि जो समाज के अंदर बुराइयाँ हैं, जो समाज इस रास्ते पर आना चाहिए, उस रास्ते पर लाने का इसमें प्रयास किया। कोई संदेश देंगे वाल्मीकि समाज को? मैं वाल्मीकि समाज को यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले वो वाल्मीकि रामायण पढ़ें, वाल्मीकि योग वशिष्ठ पढ़ें, महाकाव्य रामायण पढ़ें, जब ही तो समाज का जब सुधार हो सकता है या विकास हो सकता है। आज संसार है जो बारूद के ढेर पर बैठा है, भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने दो लेखनी लिखी, एक का नाम है वाल्मीकि रामायण, दूसरे ग्रंथ का नाम है योग वशिष्ठ महारामायण। जो रामायण है वो संसार को जीवन जीने की कला सिखाती है, एक भाई का भाई से क्या कैसे प्रेम होना चाहिए, एक पति का पति के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, ये रामायण हमें दर्शाती है। इस रामायण के द्वारा ही, वाल्मीकि रामायण द्वारा ही हम विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखते हैं, इसलिए भगवान वाल्मीकि की रचनाओं का हम प्रचार करते हैं। दूसरा ग्रंथ उनका जो योग वशिष्ठ महारामायण है, वो इस समय बारूद पर बैठे हुए संसार को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अध्यात्मवाद का संदेश देता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, आपस में मिलजुल कर रहो, कोई बैरी नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी परमात्मा के अंश हैं, वो परमात्मा ही हैं, इसलिए वो अद्वैत है।